हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपके और आपके फैमिली को। तो आप लोग मुझे जो है बताइएगा कि आपका 31st जो है वो आपने किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, एंड और क्या क्या रिजोल्यूशंस बनाए हैं आपने 2020 के लिए जो कि आप फॉलो करना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल बज रहे हैं कुछ शाम के 4, तो आप लोग भी देखिएगा 4 बज रहे हैं। सुबह से मैंने ये ब्लॉग नहीं शुरुआत की थी क्योंकि आज ऑफिस को मेरे छुट्टी थी, जिसके वजह से थोड़ा मैं यहाँ वहाँ के कामों में जो है बिजी रह जाती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी चालू किया है। और ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरा ऑफिस में सेलिब्रेशन थी क्रिसमस एंड न्यू ईयर दोनों की, तो यू नो कलीग्स वगैरह सभी लोग जो है सीक्रेट सांता खेलते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे कुछ गिफ्ट्स अराइव हुए हैं जो कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वन बाय वन हम शुरू करेंगे देखना। सबसे पहला जो मुझे गिफ्ट मिला है वो है हमारे गणपति जी। तो कुछ ऐसे गिफ्ट मिला है मुझे, वाइट कलर की गणपति है और ग्रीन कलर के पत्ते पे उनको रखा गया है। तो ये सबसे पहला गिफ्ट है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और दूसरा गिफ्ट मैं आपको बता देती हूँ क्या मुझे मिला है। दूसरा गिफ्ट जो है मुझे ये नेकलेस मिली है। तो अगर आप मैं एक बार वेयर करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये कैसे है ना, अगर आप साड़ी वगैरह पहन लो तो उसके ऊपर अच्छा लगे। एक बार मैं इसमें आप जो है हुक भी लगा सकते हो इसको, तो इस तरीके से अगर आप इसे वेयर करते, मैं एक टेम्प्रेरी बेसिस पे दिखा रही हूँ, तो ऐसे ऐसे कुछ ये होगा। तो ये दूसरा गिफ्ट मुझे मिला है। और थर्ड गिफ्ट जो है वो मुझे मिली है ये कुर्ती है। ये बैक साइड है एंड ये जो है ये फ्रंट साइड है। इसके ऊपर सिलाई की गई हाथों से, तो ये एक ऑरेंज कलर का है एंड बीच में ही इस क्रिसमस एंड न्यू ईयर के बीच में ही मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो मैंने जो है उनको ये गिफ्ट दिया है। जो इनकी ये जो पिक्चर है ये लास्ट ईयर हम जो है गोवा गए थे तब की ये पिक्चर है, तो मैंने यही जो है इनको फ्रेम करके ये गिफ्ट दे दिया था। और साथ ही साथ एक केक भी मैंने ऑर्डर कर दी थी, तो ये था उनके बर्थडे का गिफ्ट। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है न्यू ईयर के दिन पे क्या गिफ्ट दी थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक से। तो ये है, ये बुद्धा जी उन्होंने मुझे दिया है ये गिफ्ट में। एक्चुअली इसे कहा जाता है कि ये जो है हम खरीद नहीं सकते, ये अगर कोई गिफ्ट दे देना तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दी है। तो ये था मेरा क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक का डेज जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो अगर आप में से भी कोई कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं या कहीं कुछ काम वगैरह करते हैं जिन्हें गिफ्ट वगैरह मिले हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिली है। सो और सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो है मेरे ब्लॉग को जो है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे बड़ी बात कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि सबसे पहले जो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।